व्हाट्सएप ट्वेल्थीज, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रूल आपको समझना है बच्चों। लेट सपोज मैंने आपको बोला साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा क्या होगा? थीटा के लिए हम क्या करेंगे, साइन को यहां शिफ्ट कर देंगे, यहां जाके ये बन जाएगा साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 1/2। अच्छा एक और मैं देता हूं आपको खुद सॉल्व करना, कॉस थीटा मान लो मेरा है 1/√2, तो थीटा क्या होगा? झट से बोलोगे सर कॉस इनवर्स 1/√2, राइट। अब ये रूल मैंने क्यों पढ़ाया, इसका रीजन समझ आएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्लास 11 के कुछ फॉर्मूलास भी चाहिए। सर हम तो भूल गए, मैं सारे लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। आओ बेटा क्लास 11 के फॉर्मूलास लिख लो यहाँ पर, जैसे जैसे यूज आएगा वैसे वैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, फिर नेक्स्ट कॉस थ्री थीटा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट टैन थ्री थीटा थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। अब साइन थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा को लंग करने का नंबर है, इसको याद करने का नंबर है 34 और इसको याद करने का है 43। देखो 34 थ्री साइन माइनस फोर साइन क्यूब, इसके अंदर उल्टा है फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री कॉस, राइट। अब जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर वन को। क्वेश्चन वन क्या कहता है, प्रूव दैट, क्वेश्चन वन में आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। अभी ये जो आगे है ये वैलिडेशन के लिए होता है, बट वैलिडेशन में अभी नहीं करा रहा, आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो हमारे को प्रूफ करना है थ्री साइन इनवर्स इसके इक्वल है, कौन सी साइड सॉल्व कर सकता हूं मैं, आरएचएस, मैं आरएचएस पिक कर रहा हूं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब फोकस करना बच्चों, दिमाग चलाना सीखना हमारे को, क्योंकि इस चैप्टर में दिमाग ही चलना है, रट्टे मार करा देंगे तो नुकसान भी हो सकता है। खुद बताओ इससे मिलता जुलता फॉर्मूला आपको लग रहा है कोई पुराना, इलेवेंथ का इससे मिलता जुलता, इतने पोर्शन को देखो, आप झट से बोलोगे सर ये बेटा एक बात बताओ, मैं एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं, मैं एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं जिससे ये वाला फॉर्मूला बन जाए। सिंपल है सर, आप एक्स की जगह लेट कर लो साइन थीटा, राइट। तो मैंने एक्स को क्या करा, साइन थीटा लेट कर लिया। अब अगर एक्स साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, थीटा बन गया साइन इनवर्स एक्स, रख दो यहां पे वैल्यू साइन इनवर्स थ्री एक्स की जगह थ्री क्या साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया मेरा किसका, साइन थ्री थीटा का, चेक कर लो साइन थ्री थीटा कैंसल हो गया साइन इनवर्स से साइन, तो क्या बचा थ्री थीटा। अब थीटा क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स, हो गया प्रूफ। इसी तरह क्वेश्चन टू भी है, आओ देखते हैं थ्री कॉस इनवर्स एक्स को प्रूफ करना है इसके इक्वल। वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, थ्री कॉस इनवर्स एक्स को प्रूफ करना है, कॉस इनवर्स
फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स के इक्वल। क्या करो बेटा, आर एच एस पिक करेंगे। अब यहां मिलता जुलता फॉर्मूला कॉस थ्री थीटा का है, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, कॉस थ्री थीटा। लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, रख दो वैल्यू बेटा, कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, क्या बन गया कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा, कैंसल हो गया, थ्री थीटा बचा, थीटा क्या है कॉस इनवर्स एक्स, आ गया एलएचएस के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, आप ट्राई खुद बखुद नहीं कर पाओगे, सिर्फ पॉइंट है। टैन इनवर्स क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफाई करना है, यानी टैन इनवर्स में इतना लंबा सा दे रखा है आपको, इसका आपने क्या करना है, इसे शॉर्ट में लेकर आना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, टैन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, इससे मिलता जुलता कौन सा आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, खुद देखो, इससे मिलता जुलता ये वाला फॉर्मूला है कौन सा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां मैं क्या करूंगा, आप जट से बोलोगे सर x की वैल्यू tan थीटा लेट कर लो, बेटा यहाँ कैच क्या है कि यहाँ a लगा हुआ है, तो जब भी मेरा क्वेश्चन में a लगा होगा तो मैं लेट करूंगा x की जगह a tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाले, a इधर भेजो डिवाइड में, सबसे पहले a को भेजेंगे x by a, क्या बचा tan थीटा, अब tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x by a इज इक्वल टू थीटा, रख दो वैल्यू, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा माइनस x क्यूब की जगह a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a a tan थीटा का होल स्क्वायर, tan इनवर्स सॉल्व करो 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। यहां तक तो नॉर्मल पॉइंट था, अब जरा खुद ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है, ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है, ले लो tan इनवर्स a क्यूब कॉमन, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में नीचे से a क्यूब कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, फायदा a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है, पूरा अभी हमने पढ़ा ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, इसकी जगह मैं लिखूंगा tan 3 थीटा, फायदा tan और tan इनवर्स कैंसिल 3 थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स x by a, तो ये बन गया 3 tan इनवर्स x by a। अब अगला क्वेश्चन कराने से पहले कुछ क्लास 12 के ओल्ड फॉर्मूलाज है जो एक्चुअल में इस साल डिलीट हो चुके हैं, बट उनका यूज है और आपके क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व होंगे,
तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। क्लास इलेवन सॉरी क्लास ट्वेल्थ के हमारे कुछ इनवर्स के फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं एक्चुअल में। तो पहला है मेरा टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, ये होता है बेटा टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये होता है मेरा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब आप बोलोगे सर ये तो लर्न ही नहीं होंगे, हो सकता कई बच्चे बोले, बेटा टेंशन ना लो आपको अभी लर्न हो जाएंगे, क्लास इलेवंथ से इसको रिलेट करके दिखाऊंगा और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो आओ जरा क्लास इलेवंथ का एक फॉर्मूला सीखते हम। क्लास इलेवंथ का फॉर्मूला नंबर कौन सा आएगा, फोर्थ। क्लास इलेवंथ फॉर्मूला में लिखो, अब जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है मेरा टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक और होता है टू टैन थीटा अपॉन में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारी पूरी मैथमेटिक्स में। सबसे पहला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सिक्स्थ टैन टू थीटा, ये होता है टू टैन थीटा अपॉन में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये क्लास ट्वेल्व की प्रॉपर्टीज है जो एक्चुअल में डिलीट है, बट इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले मैं पिक करूंगा, हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। किसको, टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं अगेन RHS ले रहा हूं, RHS सॉल्व हो सकती है, RHS लेते हैं। क्या है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा मेरा इतना सा क्वेश्चन है, अपने आप ढूंढो, ट्राई करो वीडियो पॉज करके कि इससे मिलता जुलता फॉर्मूला कोई है यहां पर या फिर यहां पर, ढूंढो। मैं आपको बता देता हूं क्या है, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्या है, ये रहा। ध्यान से देखो, अगर x की जगह होता tan थीटा, नीचे भी बनता वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या करना है मैंने, सिंपली मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा x को tan थीटा। तो थीटा क्या बनेगा मेरा, थीटा बन जाएगा टैन को इधर भेजा टैन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा मेरा थीटा। थीटा क्या हो गया, टैन इनवर्स एक्स। अब डाल दो यहां पर टैन इनवर्स टू टैन थीटा अपॉन में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बन गया टैन टू थीटा का, टैन इनवर्स टैन टू थीटा, कैंसल टू थीटा और थीटा किसके इक्वल है, टैन इनवर्स एक्स के। हो गया प्रूफ। इसी तरह एक डेरिवेशन और आप ट्राई करो, इसकी देते चलो, इसकी और इसकी, वीडियो को पॉज करके बाद डेरिवेशन ट्राई करो।
तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेरिवेशन, 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। खुद बताओ इससे मिलता जुलता फॉर्मूला क्या है, आप झट से बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला है। अगेन मैं कहता ध्यान से देखो, 1 माइनस tan स्क्वायर, अगर x की जगह tan होता, अगर x की जगह tan होता तो मेरा क्या बनता, ये बन जाता मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है इसके, ये फॉर्मूला बनाएगा cos थीटा में। तो लेट करेंगे tan को इधर भेजो, tan इनवर्स x थीटा रख दो वैल्यू, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स ये फॉर्मूला बनता है cos 2 थीटा के इक्वल, cos से cos कैंसिल, आई मीन cos से cos इनवर्स, बच गया 2 थीटा और थीटा क्या है मेरा tan इनवर्स x। आई गेस अब आप थर्ड वाला खुद कर ही सकते हैं, विच इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। वीडियो एक बार पॉज करके ट्राई करिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह क्या लेट करूंगा, अगेन लेट करूंगा x की जगह tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, डाल दो वैल्यू RHS में, sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin इनवर्स ये हो गया sin 2 थीटा के इक्वल, कैंसल 2 थीटा और थीटा क्या मेरा tan इनवर्स x, हो गया प्रूफ। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, ताकि आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाए, नेक्स्ट मैं एक और फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का, जो हमारे को बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। वैसे विदाउट फॉर्मूले के भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, चाहता बिना फॉर्मूले के भी मैं आपको क्वेश्चन करा सकता था, बट मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि कई जगह पर इसका यूज आएगा। फॉर्मूला नंबर 2 लिखिए क्लास ट्वेल्थ के फॉर्मूलास में, फॉर्मूला ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये दो मेरे फॉर्मूलेज हैं, मैं चाहूंगा एक बार इन फॉर्मूलेस की हेल्प से आप, ये एग्जांपल 7 है, ओल्ड बुक में है, न्यू बुक्स में नहीं है, एक बार इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको प्रूफ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए बच्चों अपने स्टेप देखते हैं, प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके इक्वल। क्या करूंगा मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा tan इनवर्स फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई रख दो, tan इनवर्स x, x क्या है x है और y क्या है ये पूरा एंगल है y, तो y की जगह 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x इंटू 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। अब tan इनवर्स
एलसीएम लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन में करो इसे मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ब्रैकेट्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ये क्या बना ये मेरा हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर कैंसल टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर चेक कर लो यही प्रूफ करना था मेरे को इज इक्वल्स टू आरएचएस तो पहले इतना नोट करिए फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे का टॉपिक बच्चों एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ वैसे मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बट इसको कंटिन्यू कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन है टैन 1/2 और ये पूरा साइन वर्स दिस इसको सिंप्लीफाई करना है क्या करूंगा टैन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर दो तरीके मेरे पास है पहला मैं x की जगह क्या कर सकता हूँ टैन थीटा ले सकता हूँ लेट कर सकता हूँ x की जगह टैन थीटा थीटा विल बी टैन इनवर्स x ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टैन थीटा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और यहां y की जगह क्या लेट करूंगा y इज इक्वल टू टैन थीटा अभी हमने पीछे सीखा है बट थीटा वर्ड नहीं बोल सकता थीटा यूज नहीं करूंगा क्योंकि थीटा यूज कर लिया तो कुछ और करते हैं अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा टैन इनवर्स y तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा क्या होता है टैन 1/2 ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कैंसिल तो ये हो गया टैन 1/2 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कॉमन ले लो टैन 1/2 2 कॉमन थीटा प्लस अल्फा टैन और थीटा क्या है मेरा टैन इनवर्स एक्स अल्फा क्या है टैन इनवर्स वाई अब इस पे फॉर्मूला यूज करना है मैंने जो भी सीखा हमने टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का टैन क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई फायदा कैंसिल क्या आंसर आया एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई एक तरीका तो ये है एक और तरीका भी है इसका ऑल्टरनेटिव अगर मैं चाहता बिना लेट करे भी कर सकता था कैसे मैं बस सिंपली फॉर्मूला लिख देता कौन सा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 टैन इनवर्स x के इक्वल है तो क्या करना है सीधा फॉर्मूला लिख दो साइन इनवर्स या 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसी तरह 2 टैन इनवर्स x किसके इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के तो डायरेक्टली मैं यहां पे पुट कर सकता था क्या
tan 1 by 2 is equals to 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y. फिर tan 1 by 2 2 common tan inverse x plus tan inverse y. कैंसिल कैंसिल. आगे अब करना क्या है, अब ये पूरा मेरा ये सेम बन गया, इसके आगे तो यही स्टेप्स कंटिन्यू होंगे. तो दोनों ऑप्शन मेरे पास थे. अगर मान लो आपके स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि नहीं बच्चों मैं तो नंबर नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तो आप प्लीज इसे ही फॉलो करना, इसे मत करना. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.